वेलकम अगेन फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2016 पटवारी परिवेशर एग्जाम। सिर्फ हरियाणा जी के डिस्कस करूंगा। 15 अप्रैल को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, जल्दी जल्दी से करेंगे। फर्स्ट पेपर है हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम। ऑप्शन में फरीदाबाद भी है, कन्फ्यूज नहीं होना, गुरुग्राम राइट आंसर। सबसे कम पूछ दे मेवात, ठीक है। नेक्स्ट, फरीदाबाद में कौन कौन सी फैक्ट्री हैं? रबड़, टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों, फरीदाबाद में तीनों की तीनों फैक्ट्रियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा गया है, एस्कोर्ट ट्रैक्टर की फैक्ट्री कहाँ है? एस्कोर्ट फरीदाबाद में। कैल्विनेटर फ्रिज बनाने की फैक्ट्री कहाँ है? फरीदाबाद में, ठीक है। ये भी पूछ देते हैं, कैल्विनेटर फ्रिज। हरियाणा में भैंस की नस्ल सबसे अच्छी कौन सी नस्ल पाई जाती है? मुर्रा, ठीक है। सबसे ज़्यादा भैंस जींद में, सबसे कम भैंस पंचकूला में। गाय, सबसे ज़्यादा गाय आपकी सिरसा में और सबसे कम गाय रेवाड़ी में। यहाँ पर एक और बता दूँ, रेवाड़ी में याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पहली गौशाला स्थापित की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक थे ये, ठीक है। और दुख की बात है कि रेवाड़ी में पहली गौशाला बनी थी, इसलिए उसके बावजूद भी सबसे कम गाय वहाँ पाई जाती हैं। सबसे अधिक घोड़े करनाल में पाए जाते हैं, सबसे अधिक सुअर सिरसा में पाए जाते हैं, गधे, खच्चर, बकरी, भेड़ भिवानी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राजकीय खेल पूछा है हरियाणा का, बिल्कुल आसान है, कुश्ती है। साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, हरिगंधा। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1961। कल्पना चावला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ, इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ये दो बार गई थी अंतरिक्ष में, 1997 और 2003। अंतिम बार 2003 में वापस आते हुए कोलंबिया विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? अंबाला में है, ठीक है, सॉरी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? करनाल में है। तराइन का युद्ध, पहला युद्ध पूछा हुआ है, 1191 में हुआ। तराइन माने तरावड़ी, तरावड़ी माने करनाल, ठीक। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच था, चौहान साहब जीते थे। दूसरा युद्ध 1192, फिर गोरी जीत गया, चौहान साहब हार गए। राव तोलाराम ने 1857 में किन दो जिलों में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? राइट आंसर है नारनौल और रेवाड़ी। नेक्स्ट है, बूजनी कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं भाई, कान। सोना किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सल्फर मिक्स होने की वजह से चरम रोग लोगों के ठीक हो जाते हैं। बाण भट्ट किसके कवि व मित्र थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन 647 में इनकी मृत्यु हुई। बाण भट्ट जो है इनके दरबारी कवि थे, हर्षचरित्र और कादम्बरी दो पुस्तकों की रचना की थी। हर्षवर्धन खुद भी बहुत बड़े नाटककार थे, नागनंदा नामक नाटक इन्होंने रचना की थी। इसके अलावा दो और नाटकों की रचना इन्होंने की थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन से हैं। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। इनका जो गांव है पीली मंडोरी, वो पड़ता है फतेहाबाद में, पीली मंडोरी फतेहाबाद, ठीक है। तो पंडित जसराज किससे संबंधित है? फतेहाबाद से। हिसार राइट आंसर दिया हुआ है HSS ने, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि उस वक्त ऑप्शन में फतेहाबाद नहीं था, सिर्फ हिसार था, तो हिसार को टिक उन्होंने कर दिया। 17 अगस्त 2020 को उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कैथल में है। इसका दूसरा नाम है सोनसर, दूसरा नाम सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में है, इसका दूसरा नाम सोनसर वन है। ये आपका 4453 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक राज्यपाल कौन है जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा? BN चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे, 1967 से 1976 तक, ठीक। IIM कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में है बेटा। सर्वप्रथम मेट्रो किस जिले में आई? के बाद सोनीपत लगता है हाईवे नंबर 44 पर, तो सबसे पहले फरीदाबाद में आई, उसके बाद गुरुग्राम में और लास्ट में झज्जर में। झज्जर के किस जगह पर आई? बहादुरगढ़ में। तो यहाँ से क्वेश्चन और क्लियर हो गया, बहादुरगढ़ कहाँ है? झज्जर में। झज्जर का एक डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहादुरगढ़ या तो दिल्ली में है या एक खुद एक डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। NH 9 पर स्थित, ये एक औद्योगिक नगरी कहते हैं इसको,
या हरियाणा का उत्तरी द्वार भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है संतोष यादव, ये महिला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो संतोष यादव पहली बात तो रेवाड़ी से हैं, पर्वतारोही हैं, दो बार माउंट एवरेस्ट पे ये महिला चढ़ चुकी हैं, 1992-1993, ठीक 1994 में इनको राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड भी मिला था और सन 2000 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जोनियावास गांव की रहने वाली हैं, जोनियावास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नवग्रह कुंड मंदिर कहाँ है, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से दो क्वेश्चन आपके लिए निकलेंगे। राइट आंसर है बेटा कैथल में, और इसी मंदिर के कारण कैथल को कहते हैं छोटी काशी, छोटी काशी। आपके दिमाग में एक सवाल और घूम रहा है, हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, भिवानी, क्यों कहते हैं, मंदिर ज्यादा पाए जाते हैं भाई, तो मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी कहते हैं, छोटी काशी कैथल को कहते हैं। नेक्स्ट सूरदास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था, ये गांव किस जिले में है, फरीदाबाद में। दोस्तों फरीदाबाद के साथ जो है आगरा और मथुरा यूपी की दो जगह लगती हैं, और आपको पता है कि आगरा और मथुरा को ब्रज भूमि कहा जाता है, ठीक है, तो ब्रज भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो सूरदास जो थे श्री कृष्ण के भक्त थे और इन्होंने सूरदास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, ऐसा कहा जाता है कि सूरदास बचपन से अंधे थे। तो एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, और सूरदास किसके समकालीन थे यानी कि किसके समय में थे, तो अकबर के समय में थे, ये भी याद रखिएगा। 6 क्वेश्चन रह गए हैं टोटल, हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन हैं, पटवारी परीक्षा 2016-15 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का मैं पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक पेपर और पटवारी का 2016 का डिस्कस किया है, हरियाणा जीके अलग से वीडियो बना के डाली है, इंडिया जीके अलग से वीडियो बना के डाली है, हरियाणा बजट आपने ऐसा बजट कहीं नहीं पढ़ा होगा, दो वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है, उनको ज़रूर देखिएगा। महाराजा अग्रसेन किससे संबंधित हैं, अग्रोहा से। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला। पश्चिमी यमुना नहर किन किन जिलों में सिंचाई करती है, रोहतक, सोनीपत और करनाल में करती है। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे, आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं, 2006 में इन्होंने पतंजलि की भी स्थापना की। नारनौल किसका मुख्यालय है, बेटा नारनौल महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है, हरियाणा का इकलौता ऐसा जिला जिसका हेड ऑफिस उसी की जगह ना होकर कहीं और है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, या शायद आपको भी नहीं आती होगी, ये मुख्यालय का मतलब क्या होता है। बच्चों जिला मुख्यालय का मतलब है जहाँ पर डीसी साहब और एसपी साहब के ऑफिस होते हैं, या यूँ कहें कि पूरे जिले का जो प्रशासन प्रशासनिक ऑफिसेज होते हैं उसको हम कहते हैं जिला मुख्यालय, ठीक। सिंधारा उपहार कब दिया जाता है, तीज पर दिया जाता है, पुत्रियों को दिया जाता है। तो ये थे पटवारी परीक्षा 2016 इवनिंग शिफ्ट का हरियाणा जीके का डिस्कशन, इसके तुरंत बाद आपके लिए लेके आऊँगा इसी पेपर की इंडिया जीके प्लस साइंस, तो तब तक वेट करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे जेंटलमैन।